तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन अप्रैल इन इंडिया। तो गाइस, अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है, तो इस कारण लोग ठंडी जगह की तलाश में रहते हैं घूमने के लिए। तो आज मैं कुछ ऐसे प्लेसेस लेके आया हूँ, टॉप 5 प्लेसेस टू विजिट इन अप्रैल, कि आप कुछ ऐसी जगह, कुछ ठंडी जगह हैं जहाँ पे अप्रैल के महीने में आप जा सकते हैं और अपना टाइम बिता सकते हैं। तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और तो जो पहले नंबर पर प्लेस है वो है कश्मीर। कश्मीर के बारे में आप सब तो जानते ही होंगे, यह एक फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल भी होती है अगर आप दिसंबर से लेकर मार्च तक जाएं। लेकिन अगर आप अप्रैल में जा रहे हैं तो यहाँ का मौसम कुछ अलग ही होता है, स्नोफॉल नहीं होती पर आपको यहाँ पे स्नो देखने को मिलेगी ज़रूर। कश्मीर में आप अगर स्नो देखना चाहते हैं तो गुलमर्ग जा सकते हैं, सोनमर्ग जा सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्नो देखने को मिल जाएगी, बर्फ देखने को मिल जाएगी अप्रैल के महीने में। गुलमर्ग में आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे स्कीइंग हो गया, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि वैसे स्कीइंग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है गुलमर्ग, क्योंकि यहाँ पर पूरे इंडिया से कोने कोने से लोग आते हैं स्कीइंग करने के लिए। और अगर आप समर्स में कश्मीर जा रहे हैं तो वहाँ पे गुलमर्ग के अलावा आप सोनमर्ग भी ज़रूर होके आइए, क्योंकि यहाँ की वादियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं। वैसे तो पूरी कश्मीर अपने आप में एक बहुत खूबसूरत है, लेकिन कश्मीर अप्रैल या समर्स में जा रहे हैं तो गुलमर्ग ज़रूर होके आइए। उसके अलावा आप यहाँ पर श्रीनगर पूरा घूम सकते हैं, श्रीनगर में आप स्टे कर सकते हैं बोट हाउस में। इसके अलावा वहाँ पे जो शिकारा राइड है उसका आनंद ले सकते हैं, इससे पूरा जो झील है, डल लेक है, जो उसका आनंद ले सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत है। तो अगर आपको कश्मीर जाना है या अगर आपको स्नोफॉल देखनी है तो दिसंबर से लेकर मार्च तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्नोफॉल नहीं देखनी, थोड़ा बहुत बर्फ देखनी है या तो वादियों का आनंद लेना है तो अप्रैल बेस्ट सीजन है। अगर आप कश्मीर गए हैं तो वहाँ का मशहूर कहवा ट्राई करना मत भूलिएगा। तो जो दूसरे नंबर पर आता है वो नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड में है और ये एक बहुत ही फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लाखों लोग हर साल यहाँ पे घूमने आते हैं, अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं। और साथ ही साथ नैनीताल को झीलों का कस्बा भी कहा जाता है। वैसे तो नैनीताल आप पूरे साल जा सकते हैं, यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा बना रहता है, लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती। लेकिन अगर आप गर्मियों के टाइम पर जाते हैं तो यहाँ का मौसम अलग ही होता है, हल्की हल्की ठंड होती है जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होता है। तो नैनीताल में आप माल रोड, भीमताल, केव गार्डन, टिफिन टॉप, एना पीक और स्नो पॉइंट जैसी जगहों पर आप घूम सकते हैं। नैनीताल में उत्तर भारत से ही सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट उत्तर भारत से ही आते हैं और यहाँ पे पूरे साल काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन अगर आप समर्स में जाते हैं, गर्मियों में जाते हैं तो आप गर्मी में भी ठंड का मज़ा ले सकते हैं। जो तीसरे नंबर पर प्लेस आती है वो है मेघालय। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है और उसके साथ ही साथ बादलों का घर भी मेघालय को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और हमेशा यहाँ पे बादल छाए रहते हैं। वैसे तो आप मेघालय पूरे साल जा सकते हैं, लेकिन मार्च लेके जुलाई तक का समय जो होता है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत होता है, यहाँ की वादियाँ जो हैं बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। वैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मेघालय में ही आते हैं। घूमने लायक बेस्ट प्लेसेस हैं वो हैं शिलोंग व्यू पॉइंट हो गया, डबल डेकर रोड ब्रिज हो गया, नोहकालिकई वाटरफॉल, एलिफेंट फॉल, बघमारा हो गया, डोंगपो हो गया, जोवाई हो गया, और इन सब के अलावा पूरा चेरापूंजी और मेघालय आप घूम सकते हैं। तो मेघालय अगर जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे झरने देखने को मिलेंगे। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट के साइड कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले आप मेघालय ही जाइए। तो जो चौथे नंबर पर प्लेस आती है वो है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में है, यह राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और ये 1220 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही ज़िले में बसा है और यह राजस्थान और गुजरात के लोगों का एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, फेवरेट हिल स्टेशन है। और वैसे तो आप माउंट आबू सितंबर से लेकर अप्रैल तक कभी भी जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद यहाँ पे ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है अप्रैल के बाद यहाँ पर। लेकिन वैसे भी पूरे राजस्थान में गर्मी पड़ती है, लेकिन और बाकी के राजस्थान के जगहों के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी कम गर्मी पड़ती है। तो गर्मियों में जाना यहाँ पे अवॉइड कीजिए। अगर आपको माउंट आबू जाना है तो बेस्ट टाइम सितंबर से लेकर अप्रैल के बीच में होता है, तो इस टाइम पे आप यहाँ पे विजिट करिए। माउंट आबू में आप गुरु शिखर, नक्की झील, अचलगढ़ फोर्ट और लवर्स पॉइंट, इसके अलावा तिलवारा जैन टेम्पल और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप घूम सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे जाना चाहते तो अप्रैल में जाइए, क्योंकि अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा बना रहता है। तो अगर राजस्थान में
गर्मियों के टाइम पे एक ठंडी जगह जाना जा सकते हैं तो माउंट आबू एक बेस्ट प्लेस है। तो जो पांचवें नंबर पे आता है वो है मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, फेमस हिल स्टेशन है। मनाली अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है और यहाँ पर पूरे भारत से सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं। मनाली सबसे ज़्यादा अपने स्नो एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। मनाली में काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, जैसे ब्यास रिवर हो गया, सोलांग वैली, हिडम्बा डेविड टेम्पल और जोगनी वाटरफॉल, मनु टेम्पल, भृगु लेक और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जहाँ पे आप घूम सकते हैं और अपना प्रीसियस टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। मनाली आप पूरे साल जा सकते हैं, पूरे साल यहाँ पे भारत से कोने कोने से लाखों पर्यटक आते हैं और यह एक भारत का सबसे ज़्यादा टूरिस्टों वाला हिल स्टेशन है। मनाली में आप बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप अप्रैल के टाइम पे कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मनाली को अपने लिस्ट में ज़रूर रखिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाकी की ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।